जिम्मेवारी पारस जी को दी जा रही है, अब ये बीजेपी और जदयू के साथ मिलकर काम करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनके साथ मिलकर हम लोगों को काम करना। सरकार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी टूट की कगार पे है, मेरे साथ जदयू नेता दिनेश सिंह हैं। इनसे जानेंगे कि लोजपा को आखिर कौन तोड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से बगावत करके अकेले विधानसभा चुनाव में लड़ी, इसी कारण जदयू लोजपा को तोड़ रही है और लोजपा का जो स्थिति वर्तमान में है वो जदयू के कारण ही है। दिनेश सिंह मेरे साथ हैं, दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी लोजपा से सांसद भी हैं। दिनेश सिंह से जानेंगे, सर लोजपा टूट के कगार पर है, लोजपा के कुछ लोगों का ये आरोप है और कुछ बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने पार्टी को तोड़ा है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है जी। हम तो देख रहे हैं, गिर गए थे, यहाँ इलाज कराने आए हैं जी। हमको जो जानकारी मिल रही है आप लोगों के माध्यम से जी, और जो एलजेपी के लोगों से बात हो रही है, जैसे सांसद महोदय वीणा देवी जी हैं जी, उनसे भी हमने पूछा था कि आपके पार्टी में ये सब क्या हो रहा है जी। तो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई टूट नहीं है जी, एलजेपी के जो सांसद लोग हैं जी, ये लोग मिल करके लोजपा के नेतृत्व परिवर्तन किया है। लोजपा के नेतृत्व परिवर्तन कर रहा है, मैंने पार्टी नहीं टूट रही है, नेतृत्व, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि नेतृत्व परिवर्तन है, पार्टी नहीं टूट रही है। ये बताइए सर कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होने से क्या लोजपा अब जदयू में एनडीए में आ जाएगी सर, बिहार एनडीए? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, नेतृत्व परिवर्तन कर करके और इन लोगों का सोच है कि हम लोग एनडीए के साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे और हम लोग जो जिम्मेवारी पारस जी को दी जा रही है अब ये बीजेपी और जदयू के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या जदयू की नाराजगी चिराग पासवान से है या पूरी लोजपा से है सर? अब उनकी कोई नाराजगी है या नहीं ऐसी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन चिराग पासवान साइड में, बाकी लोजपा वही है जो पुराने थे। क्या जदयू अब खुश है, क्या जदयू मान जाएगी, विधानसभा की गलती को माफ़ कर देगी? ये तो जदयू के सिर से जो हमारे नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे जी, और सब नेता भी हमारे वही हैं जी, वो सोचेंगे जी इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे, हम कैसे बताएं। आप लोगों की मुलाकात ललन सिंह से भी हुई है सर, क्या चर्चा हुई? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई है जी, हमारी कोई ललन सिंह से मुलाकात नहीं हुई है। हम तो एलजेपी के लोग आपस में, सांसद लोग आप देख भी रहे हैं, बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके और ये लोग अपना मीटिंग करके और चिराग जी के जगह पर पशुपति कुमार पारस जी को ही लोग नेता माना है और उनको ही लोग राय दिया है कि आप को एनडीए के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं जी, उनके साथ मिलकर जी हम लोगों को काम करना। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।